हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर स्टडी पॉइंट। चैलेंजिंग सीरीज के डे 138 के सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डे 138 का सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, तो बिना देरी के सवाल की ओर चलते हैं। सवाल देखो क्या बोल रहा है हम लोग का। बोल रहा है अमन एंड राघव आर टू फ्रेंड्स। अमन और राघव जो है दो फ्रेंड्स है। अमन स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 7200। अमन जो है अपना एक बिजनेस शुरू करता है कितने रुपए के साथ, 7200 के साथ, ठीक है। While Raghav puts 60% of his salary at 40% per annum simple interest for 6 months, ठीक है। राघव क्या करता है, अपने सैलरी का 60% जो है वो क्या चीज पे लगा देता है, SI पे लगा देता है 40% इंटरेस्ट पे, जो 6 महीने तक पेएबल है, ठीक है। कितने महीने के लिए लगाया, वो 6 महीने के लिए लगाया। राघव टेक्स द अमाउंट रिसीव्ड, जो अमाउंट उससे बना वो पूरा अमाउंट को, अमाउंट करने का मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल, ठीक है। जो अमाउंट जो बना उसको लेके राघव क्या करता है, आफ्टर 6 मंथ ज्वाइंस अमन इन द बिजनेस, अमन के साथ बिजनेस में ज्वाइन कर देता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इफ अमन रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ 2000, अमन जो है प्रॉफिट रिसीव करता है कितने का, 2000 का, ठीक है, आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 2900, टोटल प्रॉफिट 2900 का अमन जो रिसीव करता है वो क्या रिसीव करता है, 2000 रिसीव करता है एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है, एक साल के अंत पे। What was the original salary of Raghav? राघव का ओरिजिनल सैलरी क्या है ये तुम्हें बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हारा चर्चा क्या है, जो मेन डाटा है वो डाटा को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। हमें क्या बोला सवाल में कि अमन जो है वो इन्वेस्ट करता है 7200 रुपया, ठीक है। राघव जो है अपने सैलरी का, राघव के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, राघव अपने सैलरी का, ना उसका सैलरी मालूम हम लोग को अभी, तो हम उसका सैलरी मान लेते हैं 100x, ठीक है। अपने सैलरी का 60% मतलब क्या हो जाएगा हमारा 60x को इन्वेस्ट करता है 40% पे 6 महीने के लिए, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 year, ठीक है। इतने दिनों के लिए इंटरेस्ट इन्वेस्ट करता है, और जो अमाउंट रिसीव्ड होता है, यहां से हमारा मान लो कोई अमाउंट रिसीव्ड होगा, ठीक है, लेट से अमाउंट जो रिसीव्ड होगा वो कोई ए अमाउंट रिसीव्ड होगा, ठीक है। इसी अमाउंट को वो क्या करता है, वो लगा देता है अमन के साथ बिजनेस में, ठीक है। तो अमन के साथ बिजनेस में लगाता है, लेकिन 6 महीने तो बीत चुके, तो 6 महीने के बाद ही लगाएगा वो, ठीक है। अमन के साथ जब बिजनेस में लगाया तो टोटल 2900 के प्रॉफिट में अमन को जो प्रॉफिट मिला है वो 200 मिला है, मतलब राघव को कितना मिला होगा, 900 मिला होगा, ठीक है। तो इस सवाल में देखो क्या है, दो पार्ट में बटा हुआ है, अब इससे तुम्हें क्या करना है, कंप्लीट एक पार्ट में इसे लाना है, ठीक है। तो देखो एक पार्ट में तुम कैसे लाओगे, यहाँ पे क्या यहाँ से तुम्हें दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, लेट से ए, अब ए पे ही पहले ए का वैल्यू तुम निकाल दो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट देखो, अमन और राघव का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये 7200 इन्वेस्ट किया पूरा पूरी 12 महीने के लिए, ये कोई ए रुपया इन्वेस्ट किया सिर्फ 6 महीने के लिए, ठीक है। 6 से जब काट दोगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि प्रॉफिट का जो रेशियो आ गया 72:2 रेशियो में कितना, 1, ये किस चीज का रेशियो हमारा निकल गया, प्रॉफिट का रेशियो निकल गया, ठीक है। ये प्रॉफिट का रेशियो निकल गया, जब प्रॉफिट निकल गया हमारा, तो देखो यहां से अमन को जो प्रॉफिट मिला वो मिला 7200 × 2 कितना, 1, और एक्चुअली में अमन को जो प्रॉफिट मिला था वो मिला था 2000, और इसको जो मिला था राघव को मिला था 900। सॉल्व कर दो, 0000 खत्म, ये जीरो भी खत्म, 2 से 2 खत्म, ए की जो वैल्यू निकल के आ गई वो निकल के आ गई 720 × 9, ठीक है। ए की वैल्यू 720 × जब 9 निकल के आ गई, तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कितना सॉल्व करना है, तो ठीक, नहीं तो इसे ऐसे ही रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसे, ठीक है। अब आगे देखो, आगे तुमसे यहाँ पे क्या बोला, अभी इस ए का वैल्यू जो है तुम यहाँ पे पुट करके तुम एक्स का मान निकाल सकते हो, एक्स निकल जाएगा तो तुम्हारा 100x निकल जाएगा। यही तुमसे पूछा था कि उसकी सैलरी कितनी है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में माना था, कितनी मानी, 100x क्या माना था, राघव का सैलरी, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग x के लिए आएंगे, आज हम इस इक्वेशन में थोड़ा सा इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 0000 यहां से खत्म, 2 से हमारा कट जाएगा 2 बार में, 6 × 12 और 60 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72x हो जाएगा। तो ये वाले पार्ट में हम लोग आएंगे, 72x = ठीक है, 72x = क्या हो जाएगा हमारा, 720 × 90। अब देखो यहां से फायदा क्या हुआ, किसी भी सवाल को एक चीज जान लो, कोई भी सवाल जब आता है तो कैलकुलेशन जो है ना एकदम लास्ट में ले जाके करो, फायदा क्या हुआ कि बहुत सारे नंबर जो होते हैं ना इजिली कट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम कर देते 72 × 90, चलो जो कि वास्ट नहीं है हमारा, ठीक है, लेकिन स्टिल तुम्हें दिक्कत होता आगे जाके काटने में, ठीक है। यहाँ देखो इजिली कट गया तुम्हारा, 72 से जब तुम काटोगे तो ये कट जाएगा 10 बार में, x की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, 90 निकल के आ जाएगी।
एक्स जब 90 निकल के आ गया तो सैलरी उसका था 100x, यानी 100x की वैल्यू 100 गुने में 90 जो कि क्या हो जाएगा हमारा 9000 रुपीज, और यही हमारा आंसर है 9000 रुपीज आंसर। ठीक है, तो उसकी सैलरी लाख की सैलरी कितनी निकल के आएगी, 9000 रुपए निकल के आएगी, तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोगों को समझ में आया हो। वीडियो अगर समझ में आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, तुम्हारा शेयर ही हम लोग को मोटिवेशन देगा ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करने का। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।